हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेयर सॉल्यूशन पे। आज है डे 20 और मैं सिखाने वाला हूँ 5 मिनट फ्रंट हेयर स्टाइल। जल्दी से रेडी हो जाइए। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल का आइकन दबा दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। चलिए शुरू करते हैं, सीधा डमी पे लेके चलता हूँ, नो टाइम वेस्ट। मैंने यहाँ पे बालों को पकड़ा, ठीक है। ये दो फिंगर का हमें रखना है सेक्शन, जो है दो फिंगर का होना चाहिए यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसको मुझे बैक कॉमिंग करना है इस पर। अब बैक कॉमिंग हमें ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखें। मैं एक एक सेक्शन करके ऊपर जा रहा हूँ। आपको अगर ज़्यादा बाउंस चाहिए तो आप ज़्यादा बैक कॉमिंग कर सकते हो, यहाँ तक कर सकते हो। मैं 3-4 फिंगर तक बैक कॉमिंग जो है वो करूँगा, यस, ताकि और हमें इसको क्लीन कर लेना है फ्रंट से भी, ताकि जितने भी बाल हैं वो बैक कॉमिंग या टूटे हुए बाल जितने भी हैं वो अच्छे दिखने चाहिए, ठीक है। अब मैं जहां पे मैंने बैक कॉमिंग किया है वहां पे स्प्रे कर लूंगा। देन इन बालों को यहाँ पे पकड़ूंगा 4 and 4/8 फिंगर पे। यहाँ पे मुझे पकड़ना है इस तरीके से, और इसको हमें जहाँ पे फिक्स करना है, जहाँ पे बालों को लगाना है, उस जगह पे हम इसको लेके जाएंगे। तो मुझे मान लो यहाँ पे लगाना है। अभी इसमें क्या होता है, यहाँ पे कम हो जाता है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम दिखता है। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बाहर निकाल लूँगा एंड देन बाकी बालों को हम यहाँ पे स्प्रेड करना शुरू कर देंगे इस तरीके से, यस। सी राइट, अभी इन बालों को मुझे यहाँ पे यू पिन लगा देना है। अब जितने भी बाल आपको दिख रहे हैं इनको आपको क्लीन करना है और जो लेयरिंग है वो क्रिएट करना है। मैं अच्छे से सारे छोटे छोटे बाल उनको क्रिएट, और यहाँ पे आपको सॉफ्ट हाथों से लेयरिंग आपको दिख रही होगी, बस आपको सिर्फ वो शेप देना है इस तरीके से। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, पहले इन छोटे बालों को बिठा देता हूँ। थोड़ा तंग करते हैं कभी कभी आप इस तरीके से। पहले मैं स्प्रे किया एंड लेयर बना दी, स्प्रे किया लेयर बना दी, स्प्रे किया लेयर बना दी, स्प्रे किया लेयर क्रिएट कर दी। आप देख रहे हो लेयर्स आनी शुरू हो गई। अभी इन्हीं लेयर्स को मुझे बैक तक लेके जाना है, पर उससे पहले आपको ये सारे बाल क्लीन करने हैं। जितने भी छोटे छोटे बाल हैं स्प्रे करें और फिक्स कर दें। अभी इन्हीं बालों को यहाँ पे लेयर क्रिएट की, यहाँ पे लेयर क्रिएट की, लेयर क्रिएट की, यहाँ पे लेयर क्रिएट की। अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो आप क्या करो, यहाँ पे इस तरीके से क्लिप लगाओ, आपकी जो लेयर्स हैं वो अलग अपने आप हो जाएंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पिन, इस तरीके से। इसमें क्या होगा, आपका जो लाइंस हैं वो क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे। तो मुझे ये बालों को थोड़ा सेट कर लेना है, क्लियर है आप लोगों को, राइट। और इन बालों को मैं आराम से बिठा लूँगा ताकि ये ज़्यादा दिखे नहीं और अलग से ना दिखें कुछ, ओके। थोड़ा सा बिठा लूँगा, जैसे ही ये साइड हो जाता है, अभी रह गया मेरे पास ये साइड, पीछे जो भी बनाओ ये फास्ट अगर आपको बनाना है
फ्रंट हेयर स्टाइल, इसलिए 5 मिनट में सिखा रहा हूँ। आपको कॉम करना है ये बालों को, आपको जहाँ पिन करना है वहाँ लेके जाना है, ध्यान से देखिएगा, जहाँ पिन करना है वहाँ पे लेके जाना है और हल्का सा यहाँ से स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो बैलेंस लगे। इस साइड भी सेम होगा और इस साइड भी, तो दोनों साइड सेम बैलेंस होना चाहिए। और इसको भी मैं यहाँ पे यू पिन लगा सकते हैं आप, क्योंकि मुझे लेयर क्रिएट करनी है फिर यहाँ पे। जैसे ही ये स्प्रेडिंग हो जाती है हम इसमें भी लेयर क्रिएट कर देंगे। किस तरीके से, यहाँ पे रखेंगे, हम इनमें स्प्रे करेंगे लेयर बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, देख रहे हैं आप। और जितने भी टूटे हुए बाल हैं उनको भी हम फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अभी अगर आपको फिर से वो लेयर को ज़्यादा विजिबल बनाना है तो थोड़ा आप ये इस तरीके से पिन लगा दें और अच्छे से दिखेंगी, ठीक है। अगर आप इस तरीके से पिन लगा देंगे तो ये और अच्छे से विजिबल हो जाएंगी। मुझे स्प्रे कर देना है, आप शाइन स्प्रे भी लगा सकते हो, हेयर स्प्रे भी लगा सकते हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब पीछे मुझे जहाँ पे मैंने यू पिन लगाया था उन्हीं बालों को मुझे बॉबी पिन से क्लिप कर देना है ताकि हमें वो हेयर स्टाइल जो हमने क्रिएट किया है वो कहीं ना जाए। इस तरीके से ये यू पिन मैं निकाल दूंगा। सेम थिंग ऑन द अदर साइड, हेयर ऑल्सो विल डू द सेम थिंग। यहाँ पे हम बॉबी पिन लेंगे इस तरीके से एंड लगा देंगे। हुआ ना 5 मिनट में, और फ्रंट से यहाँ पे भी लेयर्स एंड ऑन द साइड।